और भाई कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं एक फैंटेसी गेम स्टार्टअप के बारे में जो 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था और आज उसका वैल्यूएशन 400 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। और कमाल की बात यह है कि 2020 में विंजो का रेवेन्यू 25 करोड़ से भी ज्यादा का था। मगर कैसे, अब देखो यार, विंजो ने बहुत ज्यादा पैसा छापने वाला स्टार्टअप है, जब इन्होंने कैरी मिनाटी को भी एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर करा हुआ है। मगर दोस्तों सवाल यह आ जाता है, विंजो जो 5-25-10 रुपए के गेम खिलाता है वो इतने ज्यादा पैसे छाप कैसे रहा है, क्या इनका रेवेन्यू मॉडल है, क्या इनका बिजनेस मॉडल है, और अगर आप विंजो पर गेम खेलते हो तो वीडियो क्लास में आपको बताऊंगा कैसे आप अपना लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हो। दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है 2015-16 में, जब जियो के लॉन्च होने के बाद गेमिंग इंडस्ट्री का भी बूम आया था। और इसमें हुआ क्या, जो गेम डेवलपर्स थे, जो ऐप डेवलपर्स थे, जो अपने ऐप्स और गेम प्ले स्टोर पर अपलोड करके पैसे कमाते थे, उनकी जो अर्निंग थी ना वो बहुत ज्यादा कम हो रही थी। इसके पीछे दो कारण थे, पहला था गूगल एडसेंस और दूसरा था इन ऐप परचेजेस। अब दिक्कत क्या थी ना, जो गूगल एडसेंस की अर्निंग थी वो बहुत ज्यादा लो थी एज कम्पेयर टू जो गेम डेवलपर्स महीने लगा देता था एक गेम को बनाने के लिए। और जो इन ऐप परचेजेस था वो भी बहुत ज्यादा लो था इंडिया में, क्योंकि कोई भी प्रेफर ही कर रहा था कि गेम के अंदर वो डायमंड खरीदे, कॉइंस खरीदे, तो मोस्ट ऑफ द लोग इसे खरीदना भी प्रेफर नहीं करते थे। तो इन्हीं डेवलपर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और यूजर भी 5-10 रुपए कमा ले, इसके लिए पवन नंदा और सोनिया सिंह ने एक स्टार्टअप चालू करा जिसका नाम था विंजो। लेकिन यार उसमें एक प्रॉब्लम थी, विंजो उस समय सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करता था। पवन नंदा चाहते थे कि यार विंजो को ना वो नेटफ्लिक्स ऑफ गेमिंग बनाएंगे। इसका मतलब था कि वो आपसे साल के महीने के कुछ अमाउंट ले लेंगे और जो इनके प्लेटफॉर्म पे सारे गेम है आप इंजॉय करो। जैसे अभी आप सोच रहे हो यार ये तो बहुत ही घटिया बिजनेस मॉडल था, तो हाँ यार बहुत ही घटिया बिजनेस मॉडल था। इनके पास एक भी इन्वेस्टर नहीं था, कस्टमर्स जो थे वो भी बहुत ज्यादा कम थे, क्योंकि कोई क्यों पैसे देगा इतने ज्यादा जब वो प्ले स्टोर से फ्री में गेम डाउनलोड कर सकता है। और जब विंजो का बिजनेस मॉडल चेंज करा गया, रेवेन्यू मॉडल चेंज करा गया, तो आज इनके पास 14 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं। पवन नंदा ने ना विंजो का जो सब्सक्रिप्शन मॉडल था वो इसलिए स्टार्ट करा था जिससे वो गेम डेवलपर्स को सपोर्ट कर पाए, तो इसलिए इन्होंने शिफ्ट करा पूरा विंजो का बिजनेस मॉडल माइक्रो ट्रांजैक्शन, मतलब आसान भाषा में बोलूं तो सट्टा के बिजनेस मॉडल पर। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप और आपके दोस्त की लड़ाई होगी कि भाई तेरा भाई बढ़िया खेलता है, उसने कहा भाई मैं बढ़िया खेलता हूं, आपने कहा लगी 25-25 की, आप आ गए विंजो पर गेम खेलने। अब आप अकेले तो गेम खेल नहीं रहे, मान के चलते हैं आपके साथ 100 लोग और खेल रहे हैं, तो 25 × 100 = 2500, जिसमें से 20% विंजो अपना कंप्लीटली कमीशन रख लेगा जो बनता है आपका 625 रुपीज, और बाकी के 1875 रुपीज आपके 100 प्लेयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी को 25 का 100 मिल जाएगा, दैट्स इट। अभी आप सोचोगे भाई विंजो तो बहुत कम पैसा ले रहा है, 625 रुपए कमाता है बस, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला ना उसका 10 मिनट का एक मैच का 625 रुपए बन रहा है, सोच लो बैकएंड में कितने मैचेस चल रहे होंगे, पूरे दिन में कितने मैचेस होते होंगे, जब ही इनका रेवेन्यू 25 करोड़ से भी ज्यादा का है। सो विंजो की ना एक यूजर रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें पता चला था विंजो के एक्चुअली यूजर्स कौन है। टीयर 1 सिटीज के लोग विंजो खेलते नहीं है, टीयर 2 सिटीज के भी लोग नहीं खेलते, असली 80% ऑफ द जो एक्टिव यूजर्स है वो टीयर 3 सिटीज के हैं, वो लोग जो असली भारत के लोग हैं, वो लोग जो असली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, और जो लोग इतने ज्यादा एडवांस नहीं है डिजिटल को अडॉप्ट करने के लिए। और उसमें पता चला था कि एक यूजर विंजो पर 1 घंटा डेली स्पेंड करता है। अब देखो यार बात वो नहीं है कि यार डेली का 1 घंटा ही तो स्पेंड कर रहा है खेलने, तो बात यह है कि अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके असली गेम डेवलपर्स को सपोर्ट करो, आपको वो सेंस ऑफ डोपामिन तो रिलीज नहीं होगा ना जो आपको एडिक्शन की तरफ लेके जा रहा है। अब देखो यार आप विंजो पर गेम खेलना कोई क्यों प्रेफर करता है, नंबर 1 सस्ते नशे। देखो आप कोई भी गेम खेलोगे ना उसे इस तरीके से डिजाइन करा जाता है गेम डेवलपर्स के थ्रू कि बहुत ज्यादा एडिक्टिव बन पाए। एग्जांपल ले लो सब्वे सफर का, ये गेम कभी खत्म ही नहीं होता था। एग्जांपल ले लो टेंपल रन का, ये गेम भी कभी खत्म ही नहीं होता था। तो जो यूजर है जो गेम खेल रहा है वो इस गेम के साथ बंधा रहता है कि भाई कब गेम खत्म होगा। नंबर 2 रिवॉर्ड्स, वही एग्जांपल ले लेते हैं सब्वे सफर का, इसमें आपको कभी कॉइंस इधर मिलते हैं कभी इधर मिलते हैं, तो यूजर का जो माइंड है बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है कि भाई कॉइंस कलेक्ट करने हैं, ये करना है, कुछ होगा नहीं उन कॉइंस का पर खेलना जरूर है, भाई इधर जाऊंगा मैं उधर जाऊंगा, तो ये बांध के रखता है आपको गेम, आपको छोड़ने का मौका ही नहीं देगा। इतना ज्यादा फोकस आप किसी काम के रिलेटेड हो जाओ तो आप उसके अंदर कहां पहुंच जाओ। और इन दोनों चीजों से होता क्या है ना, जो सेंस ऑफ डोपामिन है वो माइंड के अंदर रिलीज होता है, और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है डोपामिन कितनी ज्यादा हार्मफुल है अगर आप उसे डेली बेसिस पे इतना ज्यादा सेक्रेट कर रहे हो। जो मजा आज आपको 1 घंटा में मिल रहा है, क्या पता कल वो 2 घंटे मिले। जो आप गेम विंजो पर 25 रुपए का खेल रहे हो, जो आपने 30 कर दिए 50 कर दिए, आप कल वही 50 रुपए लगाओगे, बेशक
वो जीरो हो जाए या तो सो हो जाए, पर एक चीज तो पक्की है, एट द एंड माइक्रो लेवल पे जाके अगर आप स्टडी करोगे तो असली पैसा जो कमा रहा है वो गेम डेवलपर्स है और दूसरा विंजो का प्लेटफॉर्म। तो मैं कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो मार्केटिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको जानना है कि कैसे टाटा नियो फेल हो सकती है, कि क्या टाटा नियो के अंदर प्रॉब्लम्स है, क्या वो सक्सीड हो सकती है, ये मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, लास्ट में लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो देख लेना। तब तक के लिए।